ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से संयम और संकल्प के साथ थाली बजाने की अपील की, लेकिन राहत पैकेज और सरकार की तैयारी के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या भारत कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस सवाल का जवाब है ना। दरअसल सरकारी आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि भारत ने इस वैश्विक आपदा से निपटने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 मार्च तक जो आंकड़े जुटाए हैं उससे खुलासा हुआ है कि भारत में कुल 84,000 भारतीयों पर एक आइसोलेशन बेड है। बार बार क्वारंटीन शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन भारत में कुल 36,000 लोगों पर एक क्वारंटीन बेड का इंतजाम ही किया गया है। सरकार की तैयारियों का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि कुल 11,600 भारतीयों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। अगर एक साथ 1826 भारतीय बीमार हो जाएं, तो अस्पताल में सिर्फ एक मरीज को ही बेड मिलेगा। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल 11,54,686 रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर हैं। भारत में कुल सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 7,39,024 बेड उपलब्ध हैं। 135 करोड़ की आबादी वाले देश में सामान्य हालत में ही लोगों को इलाज नहीं मिल पाता। दिल के ऑपरेशन के लिए ही सालों बाद की तारीख मिलती है। ऐसे में यहाँ कोरोना वायरस जैसी महामारी के वक्त क्या हाल हो सकता है, इसका अनुमान ही डराने के लिए काफी है। ऐसा नहीं है कि कोरोना महामारी पिछले कुछ दिनों में ही सामने आई है। चीन में कोरोना के मरीज दिसंबर महीने के अंत तक सामने आने लगे थे। 11 जनवरी को चीन में वायरस से पहली मौत की पुष्टि हुई। उसके बाद तो ये वायरस महामारी बनकर फैल गया। फिलहाल दुनिया के 160 से ज्यादा देश इस वायरस की चपेट में हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि करीब 3,00,000 लोग इससे पीड़ित हैं। लेकिन बीते 3 महीनों में भारत ने इससे निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की। चीन हमारा पड़ोसी देश है और दोनों देशों में बड़े स्तर पर व्यापार होता है। हजारों लोग इस पार से उस पार जाते हैं, लेकिन सरकार की आंखें तब खुली जब WHO ने इसे पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। इटली में एक दिन में करीब 800 लोगों की मौत हो गई। जब इटली जैसा विकसित देश अपने लोगों को नहीं बचा पा रहा, तो सोचिए भारत में ये कितना कहर बरपा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए 110 करोड़ रुपए खर्च करने वाली सरकार को अव्वल तो पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे बुरे वक्त में भी सरकार राहत की बजाय सारा बोझ जनता पर डाल रही है। सरकार ने कोरोना वायरस की जांच कराने के लिए 4,500 रुपए का रेट तय किया है। अब बताइए हमारे देश की गरीब आबादी क्या करेगी? कॉरपोरेट्स का लाखों करोड़ का कर्ज और टैक्स माफ कर देने वाली भारत सरकार जनता को कोरोना से बचाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर रही है। कभी रोमन कवि जुवेनल ने कहा था, आप जनता को रोटी नहीं दे सकते तो उन्हें सर्कस दिखाइए। और आज मोदी सरकार वही कर रही है। लोगों को इलाज मुहैया कराने में नाकाम सरकार थाली और घंटे बजवा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।